जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसका परिणाम नवंबर अंत तक आ जाएगा। इस अंक में हम जानेंगे कि ज्योतिष गणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, किस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जनता फिर से शासन की बागडोर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में देगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ज्योतिष गणना के अनुसार प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष जगत से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अधिकतर लोग यह जिज्ञासा रख रहे हैं कि इस बार परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जाएगा। कई लोगों का मानना यह है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि इस बार फिर से लाडली बहनों के मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कई प्रकार के सामाजिक कल्याण की योजना चला रखी है, वो ही फिर से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो। दोस्तों, किसे सत्ता मिलेगी और कौन सत्ता से हटेगा, इसका निर्णय ग्रहों की स्थिति और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की जन्म कुंडली के अनुसार होता है। यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की कुंडली में राजयोग बना हुआ है और गोचर में भी ग्रह नक्षत्र उसके पक्ष में है, तो उसे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चुनाव के संबंध में क्या परिणाम होगा, यह जानने से पहले हमें चुनाव के समय ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम नवंबर अंत तक देखने को मिल जाएंगे, और नवंबर अंत में तीन बड़े परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव का रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2023 को अपनी राशि कुंभ में वक्री से मार्गी गति करने लग जाएंगे। इसके बाद 27 नवंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, और राहु काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव मीन राशि में गोचर करेगा, वह केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। 31 दिसंबर को गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी गति करने लग जाएंगे। कुल मिलाकर शनिदेव, राहु, केतु, गुरुदेव बृहस्पति की गति परिवर्तन व राशि परिवर्तन के कारण बहुत बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। चूंकि राजनीति का कारक ग्रह राहु को माना जाता है और वह मीन राशि में गोचर करने लग जाएगा, अतः वहाँ बृहस्पति के कारक तत्वों को हानि पहुंचा सकता है और भ्रम की स्थिति भी बना सकता है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की राशि होने से वो इतना नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे राशि स्वामी के अनुसार परिणाम प्रदान करना होगा। दोस्तों, अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि सूर्य की राशि सिंह पर पड़ रही है, जिसके कारण सत्ता व शासन के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन 4 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और उनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और जनता फिर से सरकार का समर्थन करने लग जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति दिसंबर अंत में मार्गी होंगे, जिसके कारण जो भी व्यक्ति सत्ता के बागडोर संभालेगा उसके द्वारा धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अब हम वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। चौहान जी का जन्म 5 मार्च सन 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर में सुबह 4:50 पर हुआ था। यह डाटा हमें इंटरनेट के आधार पर प्राप्त हुआ है। इस डाटा के अनुसार शिवराज सिंह चौहान की कुंडली मकर लग्न की बनती है, जिसकी राशि धनु है। सूर्य दूसरे भाव में स्थित है, वह शनि चंद्र की जो युति है वो 12वें भाव में बन रही है। राहु भाग्य भाव में बैठा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली में शुक्र व बुध ग्रह द्वारा नीज भंग राजयोग का निर्माण किया गया है, जो कि 3रे भाव में है। चलित कुंडली में बुध 2रे भाव में स्थित हो गया है। यदि षडबल की बात करें तो सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण वो प्रशासन संभाल रहे हैं। दशा की बात करें तो शनि की महादशा में उच्च के शुक्र की अंतरदशा चल रही है। कुल मिलाकर शिवराज जी की कुंडली में वर्तमान में महाराजयोग चल रहा है। जनता द्वारा बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात इस कारण से की जा रही है कि वर्तमान में राहु उनके 4थे भाव में गोचर कर रहा है और शनि भी वक्री है। लेकिन नवंबर अंत तक राहु की राशि भी बदल जाएगी और शनि भी मार्गी हो जाएगा और जनता फिर से शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में आ सकती है। शिवराज जी की कुंडली में शनिदेव शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही उच्च के शुक्र के अंतरदशा के कारण
फिर से शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के आसार भी बन सकते हैं। अब हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार श्री कमलनाथ जी की कुंडली का अवलोकन करते हैं। कमलनाथ जी का जन्म 18 नवंबर 1946 को कानपुर में हुआ था, जिसके अनुसार इनका जो लग्न बनता है वो मकर लग्न बनता है और राशि कन्या बनती है। कमलनाथ जी की कुंडली में शनि सातवें भाव में है, जो राजनीति की ओर प्रेरित करता है। राहु और केतु उच्च के हैं, गुरु दशम भाव में स्थित है और कमलनाथ जी की कुंडली में 11वें भाव में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। कमलनाथ जी की कुंडली में दो बड़े दोष हैं। एक तो कमलनाथ जी की कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, साथ ही दूसरा दोष यह है कि उनका भाग्य बुध और पंचम में शुक्र दोनों अस्त है। उनकी महादशा की बात करें तो बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, लेकिन बुध के अस्त होने के कारण भाग्य का साथ इन्हें कभी मिल नहीं पाया और कालसर्प दोष होने के कारण मेहनत के अनुसार इन्हें परिणाम कभी मिल नहीं पाया। 11वें भाव में 5 ग्रह होने से भीतर घात की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और इसका परिणाम भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चुनाव के समय के गोचर को देखते हुए और शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली को देखते हुए और कमलनाथ जी की कुंडली का अवलोकन करते हुए यह ज्ञात होता है कि चुनाव के समय शिवराज जी की कुंडली भारी रह सकती है और सभी ग्रह नक्षत्र उनके समर्थन में कार्य कर सकते हैं। शिवराज जी की कुंडली में नवंबर में बनने वाले महाराजयोग के कारण भारतीय जनता पार्टी को 250 में से 145 से 150 तक सीट मिल सकती है व कांग्रेस को 70-80 सीट प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यह ज्योतिष आकलन किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, यह सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव को दर्शाता है। किसी का भाग्य अच्छा भी हो सकता है और किसी का बुरा भी हो सकता है। सभी को कर्मों के अन्युसार परिणाम मिलता है, अतः आप इसे अन्यथा न लें। यह गणना सिर्फ परिणाम की संभावनाओं को दर्शाती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।